देखिए, आपको याद होगा एक नारा निकला था कि यूपी में काबा, और जवाब आया था बुलडोजर बाबा। योगी सरकार के सत्ता में आते ही एक बार फिर से एक्शन शुरू हो गया और बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर प्रशासन का बुलडोजर चला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा शहजील इस्लाम ने ही सीएम योगी पर विवादित बयान दिया था और ये कहा था कि उनके मुंह से अगर आवाज निकली तो फिर हमारी बंदूकों से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। और उसके बाद अब ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो इनके पेट्रोल पंप पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये खबर अपने आप में अहमियत रखती हुई, बरेली में समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं जिनके बड़बोले बोल जो हैं वो निकलकर सामने आए थे, काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, विवादित बयान था प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर, और अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर यह अवैध निर्माण था जिस पर यह बुलडोजर चला है। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आज रामपुर रोड पर शहजील इस्लाम द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पंप की स्थापना की गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की गई है। इनको दिनांक 13/7/2020 में नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया और 31/3/2021 में इस प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। तो आपने सुना 13/7/2020 को नोटिस जारी किया था लेकिन बयान आया उसके बाद बुलडोजर चल गया। अब अगर आपको नहीं पता कि वो बयान क्या था तो हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले शहजील इमाम की तरफ से, इस्लाम की तरफ से एक विवादित बयान आया था, काफी कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए आप। और योगी जो कि नेता सदन थे वहां पर, उन्होंने बहुत उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में भी कहा, बस गाल मुंह से गाली नहीं दी, उन्होंने सारे क्रियाक्रम कर लिए। लेकिन आज हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदन होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हाथ के हाथ जवाब देने का भी काम करेंगे। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। आप लोग बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है,